दो हिंदू बच्चों को तड़पा तड़पा करके बेरहमी के साथ और मुस्लिम जिहाद के नारे लगाते हुए इतनी बर्बरता के साथ में दो हिंदू बच्चों को तड़पा तड़पा करके मारा गया और उसके बाद प्रशासन और शासन की नींद नहीं टूटी अभी के हिंदुओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है शामली के अंदर, चाहे मुजफ्फरनगर के अंदर या कमाल गांव के अंदर, चारों तरफ यही हल्ला बुल रहा है। ये मुलायम सरकार का यही आज जो दिखाई दे रहा है यही परिणाम है कि हिंदुओं को मरवाना एकमात्र लक्ष्य इसका मुलायम सरकार का है। कठुआड़े का फैसला यही करेगा, फैसला कठुआड़े का फैसला यही करेगा। पंचायत का उद्देश्य है हिंदू एकता, पंचायत का उद्देश्य साफ साफ संदेश देने है इस बेईमान सरकार को कि तुम्हारी जाति को आगे हम सहन करने वाले नहीं है। मुजफ्फरनगर में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष के बाद तनाव जारी है। आलम यह है कि सेना के 28 कंपनियां बुलाई गई हैं। पूरा का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम लगातार मार्च कर रही है। अब तक इस हिंसा में 12 लोग जान गंवा चुके हैं और तकरीबन 34 लोग जख्मी हुए हैं। मुजफ्फरनगर के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमारा मकान जल गया, हमारी बहनें चली गई, हमारा माँ बाप चले गए, हमारा जनाजा नहीं मिला अब तक, आज तक का हम उनको ढूंढते ढूंढते हम बर्बाद हुए थे। क्या पूछो, हम अपना तलवार गिंदास बंदूक ये सब ले लेकर चढ़े इन गरीब आदमियों को। ऊपर कोई गोली चला रहा था, कोई गिंदास मार रहा था, कोई तबल मार रहा था, कोई तलवार से काट रहे थे। इन शैतानों को पाकिस्तान भगाओ या कब्रिस्तान दिखाओ, ऐसे ऐसे बदतमीज के बोधन के नारे थे जो लगा रहे थे। भावली ना खेड़ा फुगाना कुंबा कुंबी जा जा इनकी जा रहे
तरीका बने हुए थे, उन्होंने एक कसर नहीं छोड़ी। हाथ पैर काटे, तेल छिड़का, आग लगाई, हमारे 13 लाशों में से 13 आदमियों में से दो की लाश कटी हुई सड़ी हुई मिली है बाग पर नहर के अंदर से। बाकी उन्होंने रास्ता नहीं जा दिला के कहाँ पहुँचाएंगे। मेरे बच्चे देखे नहीं कहने, हम भाग नहीं पाई और मेरी गाल बलात्कार करा जी बहुत बुरी तरह चार। हाँ जी जाना है। जी जैसे 8 तारीख में हम घर पर थे जी, हमें मालूम नहीं था मेरी गाल ऐसा होगा। बहुत सारे लोग थे जी गांव में जो एकदम तो हावले तारे हमारे घर पर हमला करा जी उन लोगों ने, और ऊपर छतों पर थे जी, कोई बंदूक ले रहा था, कोई तबर ले रहा था जी। घरों में बढ़कर हमारे सारे लत्ते कपड़े जो घर में सामान था सारा उन्होंने तोड़ फोड़ करा, जो अच्छी चीज थी वे सारी निकाल ली थी उन लोगों ने। जब अम्मा उठ कर चले लगी जी, मेरी गैल आती मेरी गैल पहले तो उठते बैठती लात मारी सब पकड़ो बहन की लोड़ी को साले को मजा पकड़ी जी उन्होंने। जब मैं उठा लगी मेरा उठते होगा जी लात मारी पसू में। अजय एक तो साधु सुनार का लड़का है सुनील, एक उसका है जी ब्राह्मण का लड़का है जी देविंदर हरपाल का लड़का। इन दो आदमी ने आकर मेरी गाल चलना जिटसी करी जी, मेरी बेइज्जती करी उन लोगों ने, लात मार तू जी मुझे घर में खींच ली मेरी चोटी पकड़ कर जो घर में खींच, मैं बहुत कोशिश करी जी उन पर छुटाने की। एक ने आकर मेरा लात मारी जी आगे यहीं से पासू में जी, मुझे पता नहीं रहा जी चोटी पकड़ घर में खींच ली जी उन्होंने, मेरी गाल जबरदस्ती करी जी मुझे बेहोश कर दी जी उन्होंने। अच्छा ये डाल के मारा की जी चोट दिखाई भी नहीं जाती, ऐसी जगह चोट मारी उन्होंने। गरीब आदमी का हुआ क्या जी, इज्जत है अपने पास या इज्जत भी नहीं थी मेरी तो। छोटा इतनी नफरत आवा जी जीने से जड़े जार खा कंबल जो जिस तरह मारी गाल करा जो लोगों ने, हम मुंह दिखाने लाग भी नहीं रहे वाजी। पहले तो बड़ी मस्जिद पर होया दंगा, तो वो दंगा भी इतना साइलेंट होया जैसे ही हमें पता चला उसका, तो हम भी तितर बितर हो लगे, वह बिखरने शुरू हुए। तो उन लोगों ने हमें आ गए फिर समझा दोबारा, कहले यार क्या हो गया, वो तो हमने उधर भी रोक दिया वो दंगा, उधर भी रोक दिया वो दंगा और इधर भी कुछ नहीं होने देंगे हम, मगर ठीक है। तकरीबन 2 बजे उन्हीं लोगों जिन लोगों ने हमें समझाए थे उन्हीं लोगों के हाथ में हथियार थे और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में 100-200 लड़के और बड़े ये एकदम हमारे मोहल्ले पर हमला बोलते। देविंदर प्रधान ने कहा उनको तुम कहीं ना जाइए यहाँ से 7 तारीख में, तो कह लगे मार सुसर उनको कोई ना जाओ कहीं, देविंदर प्रधान कह रहा कुछ नहीं होने देने का मैं खा रहा। तो सुबह 8 बजे 8 तारीख में मेरे सुसर ने फिर फोन करा प्रधान के पास, उनको भाई प्रधान जी कहाँ हो तुम, उनको मैं अपने घर हूँ तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कटने के लिए आग लग गए। तो इतनी कहते ही मेरा ससुर जो था नीचे को निगाह करके बैठ गया, कहने लगा भाई ऐसा कर लो जिसे जान बचानी अपनी बचा लो। तो देवर जो मेरा छोटे वाला जिसके अभी शादी हुई थी इसको और इससे बड़ी भाभी उसको और उसके 4 बच्चे उन्हें 3-4 को कहने लगा तुम चले जाओ यहाँ से। तो गली में से निकल तो ही उनके उसके टुकड़े कर दिए मेरे देवर के, उसे काट दिया, दुरानी का सिर फाड़ रखा, पैर जो है ये पैर काम नहीं कर रहा, ये हाथ है ये नहीं उठ रहा बिल्कुल भी, आप आज मोहताज होकर खाट पर बैठ गई। बच्चे थे उन्हें इतने बड़े बड़े दो उनके सिर फाड़ रखे और हमारी आंखों के सामने इन्होंने हमारे बराबर में ही गली पड़ती है वहाँ आके बोला कि या तो कब्रिस्तान जाओ या पाकिस्तान जाओ। ठीक है जी, वहाँ से हमारी एक जब घर में बच्चे थे सब गली में दौड़े दौड़े आ रहे थे, तो वहाँ से जब हमारी गली के अंदर घुसने लगे बाहर के आदमी बोले कि भाई ये यहाँ नहीं है, ये तो यहाँ से भाग चुकी है 3 बजे, बल्कि हम घर के अंदर थे, हमारी घरवाली विकलांग है उसे तो हम ऐसे हाथों में लेके भागते हैं, तो अपनी घरवाली को लेके बच्चों को लेके सब ऐसे दूसरों के कोठों से उतरते 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 3री मंजिल तक उतरते गए और उतर के हम पीछे जोड़ में छुप गए भाग करके, और इन लोगों ने फिर हमारे घरों में आग लगा दी। हमारे बाप जो है उनको कत्ल किया, तबल गिरना से काटा गया जी, हम लोग कुछ लोग घरों में घुस गए और कुछ लोग जो है
छतों पे चढ़ गए, हमारा बाप नीचे रह गया, उसी को पकड़ के खींच लिया और काट दिया जी। जाट लोग एकदम तय हंगामा बोल के हमारे पे हमला करा जी, हमें कोई उफान नहीं पड़ा, बच्चे उठाने हैं क्या करना है, तो अपना भागने की सूझी है। ये मेरे गोली लगी हुई है जी, जैसे मैं भागने लगा कल अगर इसके गोली मारो, एकदम जो गोली मारी मैं एकदम भीत पर चढ़ गया, भीत पर लग के गोली छू कर निकल गई जी मुझे। यह हादसा हुआ जी, और जो है तो लोग 36 आदमी मरे हैं जी हमारे गाँव में। मेरे अब्बा हकीमुद्दीन और मेरी दादी छोटी को हमारे आंखों के सामने कत्ल किया है, और हम जान बचाकर अपने मकान पर चढ़कर पीछे से ईंखों के जंगल में छुप गए, खेतों में नहीं गए, और बच्चे भी थे साथ में, रात भर इधर उधर भटकते रहे खेतों में, और सुबह 4-5 बजे करीब बांधले में आके लगे। अचानक हमला था तो हर आदमी को अपनी जान बचानी पड़ी, कोई किधर, किसी ने अपना बच्चा नहीं देखा, कोई किधर को भाग रहा, कोई किधर को भाग रहा, किसी के बच्चे छूट गए हाथ से। एक औरत ऐसी है, नीम की औरत है, उसके हाथ से 5 महीने की बच्ची गिर गई भागते हुए। मैं भी अपने जिंदे को चढ़ते हुए चढ़ के और दूसरी तरफ कूद गया, मेरी घरवाली रह गई वहाँ, मेरी घरवाली गैल भी उन्होंने 5-6 ने रेप किया। 8 तारीख में सुबह 8:30 बजे जी हमारे तरफ से चुगरदे से इस तरफ से भी आ गए जी, इस तरफ से भी आके ने हमारे घरों में आग लगा दी, और जैसा कि हम भाग लगे हमारे बच्चे पकड़ लिए उनने, और तेजाब डाल के बेइज्जती करके उनकी तेजाब में डाल दी, वहीं जला दी जी। ऐसे हमारे बच्चे के साथ घटना हुई जी। देखो हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहता, हमारे घरों में आग लगा दी, हमारे जो कीमती सामान थे वे सब निकाले गए। मरद जात थी हमारे साथ में, वो हमसे सब बिछड़ गए जी, कोई इधर को भागा कोई इधर को भागा, तो जी हमारे पीछे पीछे जाट लोग भागे, उनमें से 2 आदमी थे जी, एक कुलदीप सनो पोमकारा जी, एक महेशवीर जाट है जी सनो प्रकाश, इन दोनों ने मेरे साथ बलात्कार किया जी, मैं कपड़े फाड़े जी, इन्होंने बहुत बुरा हालत करी जी, पीछे बाल तक के नोच लिए, हमारा शरीर बिल्कुल नंगा था जी दीदी, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ में, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, ना इनके कोई हमें बताते हुए बार बार शराब आने लगे, कोई नहीं हमारी सुनवाई कर रहा। देखो हम इंसाफ चाह रहे हैं, हम लोगों को सजा दिलाना चाह रहे हैं, हमें हमारा हक दिलाओ, अपना हक पाना चाह रहे हैं, बहुत बुरा करा, सर पर उपट्टा तक कन था, हम सारी रात इंखों में छुपे रहे काबड़ोत के ईख में, फिर हम सारी रात चलते रहे मंदिर से शामली में पहुंचे, हम 4 बजे जाके हम अंदर ही छुपे रहे, गुसलखानों में पखानों में घुस गए हम, बाहर से आदमी की वाड़ पीट रहे आप क्यों नहीं निकल ले जी, हमारा नंगा शरीर है, उन लोगों ने हमें कपड़े दिए चादर दी ढकने को, फिर हम अंदर आए कपड़े पहनाए वहाँ पर हमें सब ने जी, हमारे बारे में कुछ कहा तो तू जिंदा नहीं रहने की, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चल जाइए तुझे वहीं से मार दिया जाएगा, तेरे बच्चों को भी मार दिया जाएगा, ये बात कही थी जी उन लोगों ने। तकरीबन 2 बजे के लगभग जी, अजी मैं लैट्रिन में गई पेशाब करने, अचानक ही हमारे घर में खड़बू उतर गया, मोहल्ले में उतरा, पहले तो हमको पता नहीं क्या हो गया, किसी की आपस में लड़ाई हो रही थी, फिर जी हमारे घर में घुस गए, हमारे घर में घुस गए जी, कुछ कोई हमारे घर कहीं को भाग गया, कोई इंगे को, कोई इंगे को, कोई कहीं नहीं बचा, फिर हम मैं लैटिन में से निकली जी बाद में सबसे पीछे मस्टन ने देख लो मुझे तब भी, हाँ जी हमारी बैठक में थे जी, बार बार अपना मुंह काला करा जी, रेप करा बार बार, कभी कोई सा कभी कोई सा कभी कोई सा। 15-15 साल की, 16-16 साल की उनकी बहुत बेइज्जती करी, उनकी बस में मैं आंखों पर पर्दा घेरो रखे, रहा भाई नूना करो रहा गांव गली की लंडी, इज्जत एक ही है नहीं मानने नहीं, वे जालिम मिलो मानने नहीं, ये 5-7 या लंडे जानन मारे खुद उन्हें होर को बाढ़ लगते, कोई गांव गली का हो रखा नहीं था, सारे गांव गली के लंडे थे, सबको मजा आ, इतनी बेइज्जती अपने गांव में ढेठ था, मैं चल हमारा गांव राम है, कुछ तो शर्म मान नहीं गए, शर्म नहीं मैंने करी, हरी नहीं शर्म करी, अब हरी माँ बाप हरी माँ बहनों की बराबर है, मेरी नहीं शर्म करी, और भी बेटियों की तो कोई शर्म करते, उन्होंने बोला।
8 तारीख को हल्ला हुआ तो दिन के 2 बजे मैंने जैसे कुंडी लगा दी आपने मैंने कुंडी लगाई और जी मैं अंदर बैठी हुई थी जी वैसे ही सोच में बैठी हुई थी तो जैसे मैं सोच में बैठी हुई थी तो ऊपर को आए 5 आदमी तो मैंने देखा गदगद होती आई मैंने सोचा मैंने जो देखा मैं वे दमदम सीढ़ी पर उतर आई जीना वीना तो है नहीं हमारे पास अच्छा वे सीढ़ी पर उतर आई सीढ़ी पर उतर का उन्होंने देखा घबरा का मैं भाग ली जिस टाइम मैं इसकी चली तो उन्होंने मेरी चोटी पकड़ कर पीछे को खींच ली जी 5 लोगों ने चोटी पकड़ कर मेरी पीछे को खींच ली तो मैं घिसरती घिसरती चली गई तो बस घिसरती तो उन्होंने मारपीट करी मारपीट करने से बाद तो इन्होंने फिर मेरा मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी मतलब मेरे कपड़े जो थे ये नाटक जो था जारबंद बोलते ना ये मेरा उन्होंने तोड़ दिया जी। तोड़ कर तो मैं ये कपड़े जो थे कपड़े तो मतलब फाड़े नहीं पर उन्होंने जा रही सलवार मेरी निकाल दी जी। निकाल दी निकाल कर तो मेरी गैल तो फिर उन्होंने बलात्कार करना शुरू किया मैंने कहा भैया आप कैसे ये करते हो कह लगा हम ना हम कैसे ही करेंगे दो लोग ना करा सही करा एक ने मेरे हाथ पकड़ लिए पीछे को और मेरे पैर पकड़ लिया एक ने मेरी गैल बलात्कार किया थाने में फ़ोन किया थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही ओमवीर सिरोही उस टाइम थाने में SO था उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की सुबह 8 बजे से और तकरीबन फोर्स वहाँ पहुँची है करीब 5:30 बजे पुलिस गांव में नहीं गई पर धान ने अड्डे पे रोक लिया अड्डे पे रोकने बाद ये कह दिया मुसलमानों में शादी हो रही है यहाँ कुछ नहीं सब वापसी चले गए हम वहाँ रोए झिझाए बिल बिल तेरे फ़ोन करा इधर उधर शासन के पास हमने फ़ोन किया कोई हमारी मदद नहीं पहुँची पुलिस जब आई जी जब जा काम ख़त्म हो जाए जी काट पीट दिया जी सब आदमी जब पुलिस आई पुलिस के बार 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 फोन करते रहे पुलिस ही नहीं आई पुलिस की मिली हुई थी जी पुलिस ऐसी थी आती थी चक्कर थोड़ा लगाती थी और चली जाती थी लेकिन उनके रहने के बावजूद भी गाँव में लफड़ा होता रहा इस 8 तारीख के दंगे में आज तक सरकार ने इसकी कोई खोज भी नहीं निकाली ये दंगा कहां से शुरू हुआ क्यों हुआ किसने कराया मुजफ्फरनगर आखिर क्यों सुलगा आखिर क्यों छिटपुट हिंसा होने के बावजूद प्रशासन और सरकार उस पर लगाम लगाने में नाकाम रही आखिर नेताओं ने कैसे इस आग में घी डाला मुजफ्फरनगर जिसे मोहब्बत नगर भी कहा जाता है आखिर वो कैसे नफरत नगर में तब्दील हो गया देखिए हमारी खास रिपोर्ट यहाँ त्योहार की खुशियाँ फीकी हो गईं, ईद बीता राखी आई शहर अब दीपावली की तैयारी कर रहा था लेकिन एक छोटी सी चिंगारी ने शहर की शांति खत्म कर दी और जब आग भड़की तो सबने अपने हिसाब से उसमें घी डाला शुरुआत 27 अगस्त से हुई जिले के कवाल गांव में एक छेड़छाड़ की घटना हुई ऐसा कहा जा रहा है कि छेड़छाड़ की शिकायत स्थानीय थाने में हुई लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया इसके बाद छेड़छाड़ करने के आरोपी की हत्या कर दी गई। ये बवाल का पहला चरण था छेड़छाड़ के आरोपी की हत्या के बाद दोनों भाइयों की हत्या हुई इन पर आरोप था कि इन्होंने छेड़छाड़ के आरोपी की हत्या की One side alleges that it was because of Eve teasing. The other side alleges it was a motorcycle accident. It's still a matter of investigation. But all over the world, it has already been relayed that it was because of Eve teasing. So if we want to restrain ourselves from making judgment before due process is conducted, then it should apply to both sides. And we need to be very, very careful when we are reporting these things. यहाँ के गांव में एक बहुत कॉमन सी बात है कि अगर हमारे गांव के लड़के को बाहर के बदमाश आके मार रहे हैं तो गांव वाले घेर के मार देंगे ये इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं था
लेकिन इसको बीजेपी ने लड़की को छेड़ना और लड़की की इज्जत और बहन बेटियों की इज्जत के रूप में इसको फैलाया। अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए इंसान क्या नहीं करता। अगर किसी के सामने किसी की बहन को छेड़ा जाएगा तो बर्दाश्त होनेगी नहीं, किसी पे भी नहीं होनेगी। इसी तरीके से कवाल के अंदर हुआ है, वो लड़का जो है उसके मकान पे गया था सिर्फ एक उल्हाना देने के तरीके से, तो वहीं पर जो है मतलब उनकी हत्तापाई होगी, थोड़ा बहुत उन्होंने भी मार पिटाई करी, उन्होंने भी करी। वो जो शहनवाज लड़का था वो मार पिटाई उसके साथ जैसा हुई तो गांव वालों ने वे दो लड़के मार दिए, भेड़ ने घेर के मार दिया। हिंदू मुसलमान सबसे चाहे रायपट्टी मार रहे मारे ही ना, लेकिन जब बात खुल गई फिर हिंदू अपना एक तरफ हो गए, लेकिन मारे हिंदुओं ने, हिंदू मुसलमान सब थे, मारने में इनके बदमाश बदमाश मार दो। इन मर्डर के बाद में एक स्पेसिफाई जाट बिरादरी ने अपनी पंचायत शुरू कर दी, वो कहती है झूठ अरेस्ट किया गया। झूठ क्यों, जब मर्डर एक हुआ हुआ है तो उसमें झूठ क्या है? मर्डर तो हुआ है, मारा गया है, ऑन स्पॉट लोग उसके आई विटनेस हैं, उन्होंने उसके खिलाफ पंचायतें शुरू कर दी, एक शामली में करी एक पंचायत, उसके बाद फिर नेक्स्ट उन्होंने जो नगला मंदौड़ में करी सेकंड पंचायत, सेकंड पंचायत के बाद ही शासन ने धारा 144 लागू कर दी पूरे इस क्षेत्र में। और धारा 140 लागू होने के बाद में नगला मंदौड़ में दूसरी पंचायत हुई, जो बिल्कुल ना तो उसकी परमिशन थी। लाख आदमी एक पंचायत के लिए इकट्ठा हो रहा, तो ये सब अपने आप में खुद एक क्वेश्चन है कि एक लाख आदमी का इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। कोई अपनी रैली में इकट्ठा नहीं कर पाता, ये कैसे इकट्ठा हुआ? बिल्कुल सच्ची बात यह है कि उनको बाकायदा इमोशनली या पॉलिटिकली या फाइनेंशियली तीनों तरह से उनको वहां पर इकट्ठा करके बुलाया गया। आप वहां क्यों जा रहे हो, लाठी और खुरपाली और बंदूक लेके क्यों जा रहे हो? आप पंचायत में जा रहे हो अपने आप, अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हो तो एक प्रदर्शन नारेबाजी करोगे, खुरपाली का क्या करोगे या बंदूक से क्या करोगे? तो खुद वहीं एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि ये लोग आए तो इनकी नियत ऑलरेडी पहले से ही, यानी जिससे आदमी ने इनको बुलाया है वो पहले इनको ये कह के ला रहा है कि हमें मारना है मरना है। जितने भी दंगे पहले हुए ये कौम कभी हमारे सामने नहीं आई, आपस में भाईचारा था, अगर किसी ने साथ दिया तो जाटों ने दिया मुसलमान का पहले भी। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ उस बिरादरी के अंदर कि वो लोग एकदम इतने बड़े दुश्मन हो गए, हर जगह नारे लगाए गए कि इन मुल्लाओं को निकालो यहाँ से, इनको पाकिस्तान भेजो। क्या मुसलमानों के लड़कों से भी गांव में एक दूसरे की दोस्तियां हैं, बढ़िया दोस्तियां हैं, आना जाना है, पढ़ना लिखना है, तो ये सारा। और कांधले में भी पूरा एकदम मुसलमान व्यापार भी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी किस्म की। यहाँ पहले इतना तनाव कभी नहीं बना, मेरी जो 35 साल की जिंदगी है इसमें मैंने किसी से सुना भी नहीं। And we are looking at the kind of targeted violence in the four districts of Western UP, that's Muzaffarnagar, Shamli, Baghpat and Meerut. It broke out in early September, but there had been a steady preparation for this violence for a few months before the violence broke out. And there again we find administrative culpability in failing to prevent the mobilization. क्षेत्र में ऐसे नारे लगने लगे कि भाई मुसलमान के दो स्थान, जब वो चाहे वो जाए कब्रिस्तान चाहे जाए पाकिस्तान, और भाई बेटी बचाओ और बहू बनाओ और जो सुंदर सुंदर है उनको रखो बाकी को काट दो, कुछ इस तरह के उनके नारे अनाप शनाप लगते रहे। उससे मुसलमान थोड़ा भयभीत भी होता रहा और ले और ये सोचता रहा कि ये क्या है। फिर धीरे धीरे बढ़ा गया, ट्रेन में कोई दाढ़ी वाला मुसलमान मिला उसकी दाढ़ी काट ली, किसी को ट्रेन से धक्का दे दिया, कोई बाजार में रिचार्ज कराने आया तो टोपी वाला देखा उसको पीट दिया, कोई सास बस्ती में सामान बेचने वाला मुसलमान आया उसको पीट दिया, ये सब चलता रहा लेकिन मुसलमान कहीं ना कहीं खामोश रहा। दिल्ली सहारनपुर जो ट्रेन चलती है तो ट्रेन में अक्सर ये हो रहा था कि कुछ 5-6 लड़के होते थे और वो जैसे ही जो है कोई दाढ़ी वाला आदमी उनको नजर आया और उनको ये आइडेंटिटी हो गया कि ये मुसलमान है, बस उनका फोकस यही था कि वो मुसलमान होना चाहिए, तो उसकी दाढ़ी पकड़नी और उसको 5-6 मार देने, बस इसके बाद कुछ नहीं करना, उसको 5-7 धड़ाक मारने, यानी कि उसको जो है थप्पड़ मार के ये बात बता देना चाहते थे वो, आप मुसलमान हैं और हमें गंदे लग रहे हैं। इसी तरीके से मारपीट की घटनाएं ये यहाँ हो रही थी लगातार, बसों में भी ये काम हो रहा था, जहाँ अकेला दुकेला मिला, औरतों के साथ भी हो रहा है, जैसे मुसलमान ये जो औरतें चलती हैं मोमडंस की तो बुरखा लगाती हैं, तो उन पर भी कमेंट करना, बंद गोभी है, 5-6 बच्चे लिए हैं और इतने बच्चे पैदा कर दिए, तुमने जनसंख्या बढ़ा दी, इस तरीके के कमेंट जो हैं वो पिछले 3-4 महीने से वो
बनते जा रहे थे और लगातार लगातार जो है इस ऐसे तत्व जो है ज्यादा होते जा रहे थे। 27 अगस्त से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की किसी बस में किसी मुसलमान को नहीं मारा गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाने गुजरने वाली किसी ट्रेन में किसी मुसलमान के साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई। तो कम्युनल एंगल ये नहीं रहा, कास्ट एंगल 27 अगस्त के बाद ज़रूर डेवलप हुआ इसके अंदर, और ये डेलिबरेटली डेवलप किया गया। सो कॉल्ड हिंदुत्व फोर्सेज वर ट्राइंग, जब से नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्शन की खबरें आ रही थी, बीजेपी के पास बेसिकली उत्तर प्रदेश इज द लास्ट होप, उत्तर प्रदेश आखिरी उम्मीद की किरण है। नरेंद्र मोदी साहब ने अमित शाह को यूपी का बीजेपी का अपना इलेक्शन एजेंट बना दिया। अमित शाह साहब ने यूपी में आकर दंगों की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि अमित शाह साहब की स्पेशलाइजेशन दंगे में है, और उन्होंने यहां तलवारें बंटवानी शुरू की। आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और एक पूरी टीम इस तरीके से एक सिस्टम को तैयार कर रही थी कि जिससे इन लोगों को लोकसभा में फ़ायदा हो सके, ये सच्चाई भी है। और जब से अमित शाह को यहाँ के प्रभारी बनाया था भाजपा ने, तभी से ये माहौल यहाँ गरमाना शुरू हो गया था, और स्टार्टिंग इसकी हमारे गांव से हुई। ईद के दिन एक मोमडन को गोली मार दी गई यहाँ पर मस्जिद के गेट के अंदर, ये मुस्लिम मोहल्ले क्षेत्र है, पूरा का पूरा तकरीबन 15,000 मुस्लिम है यहाँ, 1,000 हिंदू भाई भी हैं। मुसलमान को ईद के दिन मस्जिद के गेट में गोली लगने के बाद भी किसी हिंदू भाई का बाल तक नहीं टूटा यहाँ, इतना भाईचारा रहा। लेकिन उन लोग तो चाह रहे थे कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो कहीं दूसरी जगह होगा। नेक्स्ट टाइम वो फिर शोरूम के अंदर हुआ, वहाँ भी बहुत अच्छा खासा दंगा हुआ, वो प्रशासन की नज़र में भी आया, शासन की नज़र में भी आया। वहाँ नहीं बात बनी तो फिर कव्वाल में जाकर शुरू किया, कव्वाल में दबा, प्रशासन ने कंट्रोल किया, फिर वो लिसाड़ के अंदर पंचायत करके वहाँ शुरू किया। जैसे ही अमित शाह आए और उनको कहा गया कि आप यूपी संभालेंगे, तभी सरकार को समझ जाना चाहिए था कि क्या होने जा रहा है। एक आदमी जिसके पहले हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं और वो इंसान पहले ही इतनी सब कुछ करा चुका है, वो आगे क्या नहीं कराएगा, तो हमारी सरकार के भी कान पे जू नहीं रहेंगी। हमारे उत्तर प्रदेश में आज के समय में लगभग 2 करोड़ वोट फर्जी हैं, और बहुत सी वोट हैं जो युवाओं ने अभी तक अपनी नहीं बनवाई हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो बूथ की लड़ाई है, हम जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश का युवा आगे आए और इस राजनीति को, इस सिस्टम को बदले। आज के समय में मोदी जी इस युवा का चेहरा बन चुके हैं, इस देश का हर युवा की एक उम्मीद है नरेंद्र मोदी, और युवा चाहता है कि कैसे भी करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो टेन यूथ क्या करेगा, बस वो आर्मी बनेगी, आर्मी होगी, वो जो है गाँव में यूथ को संगठित करेगी, यूथ का काम होगा कि वो रेस्टोरेंट पे इकट्ठा ना होने दे लोगों को, गार्ड कहीं कोई जो है हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का ना दिखाई दें कहीं गार्डन में, बागीचे में, रेस्टोरेंट में, रेलवे स्टेशन, जहाँ भी सार्वजनिक जगह पे कोई मिले वहीं उसको पीट दो या जान से मार दो, और मोदी आर्मी उनको सम्मानित करेगा। लव जिहाद और ये जो है बेटी बचाओ अभियान, अभी इन सबको याद आई है, बीजेपी को भी अभी याद आई है 6 महीने से कि बेटी भी बचानी है, बहू भी बचानी है, और ये लव जिहाद का भी मामला सारा अभी उनके सर पे आना था। सीधी सीधी बात है, ये लोग भी सब समझ रहे हैं और हम तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने षड्यंत्र को शुरू किया है। यहाँ अच्छे खासे लोग बिल्कुल फिटफाट रह रहे थे और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने 6 महीने से बीजेपी ने इस बात को सोच लिया था कि यहाँ अगर वोट बैंक बनाना है तो ये जो है ये सीधे जाटों की टक्कर इससे करा दो। बीजेपी के मुजफ्फरनगर के वेस्ट यूपी में 3 MLA थे, हुकुम सिंह जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है असेंबली में, संगीत सोम और सुरेश राणा, ये 3 MLAs को यहाँ पोलराइजेशन ऑफ हिंदू वोट्स के काम में लगाया गया। One of the 4 MLAs accused of enticing the Muzaffarnagar communal clashes, Sangeet Singh Som, joins us here on NewsX. We've been asked not to disclose his location. All the 4 MLAs have not been arrested despite the fact that an FIR has been registered against him. These are the 4 men on your screens right now. Hukum Singh, Sangeet Som, Bhartendu Singh and also Suresh Rana. But remember, these 4 people stand accused of spreading communal hatred by circulating fake videos of violence in Pakistan and passing them off as a video of an attack on a particular community to stir communal trouble in Uttar Pradesh. The fact that shameful act of Sangeet Som, etc., who are against whom there's an FIR registered, actually
being felicitated by the BJP rally in Agra, and the Prime Minister in waiting, Narendra Modi, was also present. The fact that many powerful accused, including Hukum Singh, Billu Pradhan and others, have not been arrested is not generating confidence enough among the refugees to go back. No one says that eventually camps should continue indefinitely. Nobody wants to stay away from their villages and homes. But unless the state, which is primarily responsible for the protection of life and property, creates a climate of security for the victims, they will not be able to return. दो महीने कुछ दिन हो चुके हैं, आज तक कोई सर्वे वाला नहीं आया, कोई पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कह रही। चार बार मैंने प्रमाण पत्र दे चुका, मुजफ्फरनगर भी दिया है, सामली भी दिया है और जो हमारा थाना फुगाना लगता है उसमें भी दिया है। आज तक कोई हमारे को पुलिस लाइन से कोई चिट नहीं मिली। और जो नहीं, यानी कि हमारे गाँव के अंदर 7-8 मकान जल चुके हैं, जिसके सारा सामान जल कर राख हो चुका है। अब तक उसके ऊपर भी कोई जाँच नहीं हुई, जिसमें मेरा घर भी तोड़ फोड़ कर पूरा सामान लूट लिया गया है। और जब तक पुलिस प्रशासन ने हमारे को किसी भी इस पूरे मेले के अंदर किसी के पास चिट नहीं आई, एक चिट आई थी वो भी दबिश के लिए, वो भी दबिश दिलवा के धमकी देते हुए वो भी उठवा ली गई है। उल्टी रिपोर्ट कर दी मारे भाई, 15 आदमी पर उल्टी रिपोर्ट कर दी। पुलिस वाले मैंने कहता हमें सूचना दो, जो सूचना दे वह तो उल्टी फिर मारे पर रिपोर्ट कर देंगे जाट गाँव के। मतलब इंसाफ चाह बस, जब तक मुजरिम गिरफ्तार नहीं होंगे जब तक हमें सुकून या चैन नहीं मिलेगा। हमारे गांव के 8 लोग मरे, हमारे दिल का हमें ही पता है। जिन लोगों ने इंसानों को बेदर्दी के साथ मारा हो और वो जो है ऐसे ही घूम रहा हो, तो इंसान के अंदर एक वो उमंग पैदा हो जाती है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, अब अगर हम दूसरों को मार दें तब हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर उनके साथ कुछ ऐसा ना किया तो जाहिर सी बात उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। और ये मुसलमान जितने भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके दिलों के अंदर जो खौफ है, दहशत है, वो जूं की तू बाकी रहेगी। उन्हें अपने सरकार की तरफ से भी और अपने दिली एतबार की तरफ से भी यूँ लगने लगेगा कि हम इस हिंदुस्तान के अंदर रह तो रहे हैं लेकिन एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका नामो निशान कहीं तक मिलता ही नहीं। जो कल जी मेरा लड़का ज़्यादा सीरियस हो गया था, उसके बाद हमने
एक भाई है फैसल भाई, उसके जरिए फ़ोन किया, उसने एम्बुलेंस मंगाई, मंगाने के बावजूद बुढ़ाने हम पहुंच गए तो सरकारी में उन्हें एडमिट करा, कराने के बाद उनकी बोतल चालू हो गई। कह लेंगे भाई एक घंटे के बाद हमें रेफ़र कर देंगे मुजफ्फरनगर के लिए। चलो जी, हमने एक घंटे का इंतज़ार करा, करने के बावजूद एम्बुलेंस आ गई, आने के बावजूद हमको ले गए मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में। ले जाने के बावजूद तो हमने बच्चा उतारा, उतारने के बाद जब लुटाया, लुटाने के बाद एक डॉक्टर आई, उसने कहा क्या हुआ उसको, मगर जी इसके बुखार सुबह ही चढ़ा ऐसे में। अरे ये तो बहुत बड़ा केस है, तुम कहाँ लेकर आ गए इस लोग को। मगर जी एक तो वहाँ बुढ़ाने से आपके यहाँ लिख दिया और हम यहाँ पर ले आए। कहले भाई तुम ये बताओ इसे दिल्ली के लिए रेफ़र करें या मेरठ के लिए, शुभ भारती में। मगर जी अगर हमारे पास पैसा होता तो हम बुढ़ाने सामने दिखा लेते। कहला फिर क्या, मगर जी तुम भी तो एडमिट कर सकते हो हमारे बच्चे को। कहले हम एडमिट तो कर सकते हैं, मगर ये बताओ तुम्हारा बच्चा मरेगा, तुम्हारी गारंटी है, हमारी कोई गारंटी नहीं। और तुम ऐसा करो बहुत जल्दी करो, एम्बुलेंस करो, ऐसे ले जाओ जी, हमारे पास पैसा क्या। कहला उठाओ यहाँ से जल्दी करो भाई। मलकपुर कैंप है जो शामली में पड़ता है, वो कैंप सबसे ज़्यादा गरीब कैंप है। वहाँ पर ना तो कोई जल्दी से जा रहा है और वहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी वहाँ पर 25 बच्चों की मृत्यु हो गई है हाल में, डेंगू से, बुखार से, डायरिया से। जब से कैंप लगे हैं 25 बच्चे वहाँ मर चुके हैं, 3 औरतें मरी हैं, 2 बूढ़े मरे हैं और लगातार वहाँ जो है बुरा हाल है। दिन में जो है तंबू में जो है वो नहीं रुकती है धूप, और रात को ठंड नहीं रुकती है। अभी मतलब उनके पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है। और अभी यहाँ जो है 4,045 करीब लोग अभी फिलहाल इस कैंप में हैं, और सरकार ने जो है नहीं पहली तारीख से सब सुविधाएं बंद कर दी थी। पिछली पहली तारीख से, पहली अक्टूबर से राशन खाना पीना सब बंद कर दिया। 10-12 दिन खाना वो राशन भेजा है यहाँ, बाकी जो है नहीं इंतज़ाम सब जो गाँव की कमेटी कैंप वाले वही इंतज़ाम कर रहे हैं इन बेचारों का। जो मुसलमान भाइयों की भाषा इमदाद आ रही उससे ही इनका हो रहा है, ना कोई चिकित्सा है। कम से कम यहाँ जो है नहीं 60-65 औरतों के बच्चे हो गए, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। एक बच्ची मेरी बहन का जा रही, एक कुछ मेरे बच्चे कहीं पड़े, मेरा तो सारा घर बर्बाद हो या पड़ा, देवर जेठ में पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे, मुझे क्या खबर क्या होगा। ना सरकार कुछ दे रही, बच्चे दूध के मारे फटक रहे, क्या दे रही सरकार, कुछ भी नहीं दे रही, क्या भिजवा रही। जो यहाँ के कमेटी वाले गाँव में से इकट्ठा करे दे रहे हमें खाने को, कब तक कैसा चलेगा, कहाँ तो ये लावेंगे जब इनका ही काम बंद पड़ा। गांव वालों का ये कहाँ से देवेंगे हमें खाने को, बताओ इसी बात को। इन अर्ली सितंबर राइट अप टू अक्टूबर एंड देयर वर अबाउट 45,000 पर्संस हु आर रेफ्यूजीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस इन रिलीफ कैंप्स। टुडे इवन नाउ राइट अप टू डे बिफोर यस्टरडे इज अबाउट 33,000, 19 इन द शामली डिस्ट्रिक्ट एंड 2 or 3 इन द मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। एंड द स्टेट गवर्नमेंट सीम्स आउट ऑन अ लिम टू सिंपली ट्राई एंड फोर्सिबली क्लोज these camps. Now you must understand that even compared to Gujarat 2002, these are camps in the bitter cold of the Uttar Pradesh winter, on the open ground, bitter winds, rain and tents on the ground, and some persons are living in homes and madrasas. I cannot understand why the state of UP is so desperate to forcibly close these camps. Notices have been issued to refugee families, and instead of going out to ensure that people are warm and well fed and not cold and not dying of cold, they've admitted today that 34 people, women and children, have died since October, particularly in November, December, including a one-day-old child, a three-day-old child, and including a death happening day before yesterday. There are over 100 women who are pregnant in the camps. And the complete lack of compassion and human rights framework within which the governments are functioning is shocking. 5 lakh rupees हमें government ने दिए, आज तक वो हमारे पास नहीं पहुंचे। हमारे जी का हमें ही पता, हमारे खेमे उखाड़ दिए यहाँ से सब। कल यहाँ DMIS ने आदेश दिया ये पाड़ो जब पैसा मिलेगा, आज तक हमें कोई पैसा नहीं मिला। हम गरीबी हालत में जाए तो कहाँ जाए, अब हम ऐसे बैठते हैं यहाँ से, हमारे सर पर आसमान है, खुले आसमान के नीचे हम यहाँ बैठते हैं, अब जाए तो कहाँ जाए, किसके पास सुनवाई करें। अधिकारी के पास जाते हैं सब यही कहते हैं भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं परसों, आज तक हमें कोई पैसे नहीं मदद नहीं मिली। पाड़ पाड़ का गरीब जनों को 5 लाख आ गए, पाड़ लो, किसी के आए किसी के नहीं, ना हमारा नाम ना हमारा गांव, हमारा कुछ भी नहीं रहा। हम इधर उधर चक्कर काटते हैं, ना हमारे पास पैसा है, घर से बेघर हो गए, कहाँ जाए हम, कहाँ रहे।
तहसीलदार बोलता है ये लाओ वो लाओ, SDM भी ऐसे ही बोलता है। जब सब सरकार को इतना पता है कि यहाँ पे इनके घर जला दिए गए, इनके घरों को जला दिया गया, इनके घरों को लूट लिया गया, उसके बाद भी इन लोगों के डॉक्यूमेंट सब कुछ जल चुके हैं वहाँ पे, राशन कार्ड पहचान पत्र सब कुछ जल गए, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जान बचानी थी अपनी, वहाँ पे माल पैसा घर दौलत नहीं देखना था किसी को भी। उसके बाद ने सरकार ने ऐसा निजाम चलाया डॉक्यूमेंट का, सबको पता है कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है किसी के, लेकिन उसके बाद में कहीं नोडल अधिकारी, कहीं जिला अधिकारी, कहीं उप जिला अधिकारी, सरकार को अगर जरूरत है उसको पता है ना गाँव में कितने पीड़ित हैं, उसके पास कर्मचारी नहीं है, वो तनख्वाह नहीं लेते, जिनको सरकार इनका सरपरस्त बनाकर भेजती लोगों को कि जाओ तुम इंक्वायरी करके आओ तुम्हारे मकान में क्या नुकसान है, वो सरपरस्त वहाँ पे जाटो के यहाँ पे जाके नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ के लोग जो आते बेचारे इस्लामी वाले नाजी देते हैं, खाने का सामान देते हैं, सरकारी सुविधा कुछ नहीं आती, क्या आता है ये 5 लाख रुपए आई, आने के बावजूद क्या कहता है SDM दिया भी कहते हैं तुम ये झुग्गी खाली करो जब तुम्हें 5 लाख मिलेंगे, अरे हमारे रिश्तेदार भी बाहर पड़े, हम भी बाहर पड़ जाएंगे, लोई वालों ने हमें सरंदी जाटों ने मार के हमें लोई में भेज दिए, अगर ये लोई वाले हमें कट देंगे कहाँ पड़ेंगे हम, हमारे तो रिश्तेदारी भी नहीं है। अब एक नई बात यह है कि भाई 5 लाख रुपए हम तब देंगे जबकि आप सरकारी ज़मीन खाली कर देंगे, हमने ये कहा कि भाई आप इनको 2 महीने का टाइम दीजिए, आप 5 लाख रुपए इनको दे दें और हमसे आप शपथ पत्र ले लें, एफिडेविट ले लें कि 2 महीने का टाइम मिल जाए इन लोगों को, हम इनके मकानात बनवा देंगे, तो ये जो है वो देने को तैयार नहीं है कि नहीं पहले जो सरकारी ज़मीन है वो खाली होगी उसके बाद जो है हम पैसा रिलीज करेंगे। लेकिन सही बात ये है कि 5 लाख आज के दौर में 5 लाख कोई अहमियत नहीं, ज़मीन अगर ले लेता है इंसान तो मकान बनाने भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फुगाना के अंदर कुछ लोग गए अपने गर्म कपड़े लेने के लिए, तो वहाँ पे गिरेवान पकड़ लिया उसका, वो आदमी जो कपड़े लेने के लिए गया उसको बोला गया गंदे गंदे अल्फाज बोले गए, और यहाँ क्या लेने आए हो, क्या तुम्हारा बाकी है यहाँ पे, कि कोई सरकार का कोई रुझान नहीं है, क्या इन लोगों का हक नहीं है वहाँ पे। When it comes to the displaced persons, a large number, 99%, 95% are from the minority community, and they are not in a position today to return to the villages, return to their homes because of the kind of fear of the Jat community. And not just fear, but a certain sense that the administration seems to be functioning under the influence of the powerful among the Jat community. फुटपाथ पर रहना मंजूर है जी हमें, पर लेकिन हम अपने गांव नहीं जा सकते, अब बिल्कुल जाओ ही नहीं, हमारे सर कलम हो जाते, हमारे पूरा का पूरा हमें जहर पीना पड़े, पर लेकिन हम नहीं जा सकते जी अपने गांव। जो एक अविश्वास की भावनाएं हैं वो खत्म होनी चाहिए, और इसमें आपस में ये जब तक बातचीत नहीं होगी ये खत्म नहीं होगा। हमारा प्रयास है कि सब लोग से बात करके और इसको पूर्ण रूप से, जैसे हमारा पहले शहर था, जैसे पहले ये था, जो पहले था उसी लाइन पे इसको लिया जाए, ये हमारा प्रयास। जो भी हो जाए, जो भी जुल्म है, इस पूरे दंगे का असर जितना औरतों पे पड़ा है, जितना बच्चों पे पड़ा है, उतना किसी और पे नहीं पड़ा है। न जाने अब ऐसे बीज बो दिए गए हैं कि मेरे ख्याल से 2014 तक, जब तक ये चुनाव नहीं होता, जब तक ये दूरियां बहुत गहरी रहेंगी, हो सकता है उसके बाद कुछ कम हो जाए। गुस्सा की तो बात है जी, गुस्सा भी आता है पर दिल की ज़्यादा बात है जी, गुस्सा करेगा क्या फ़ायदा होगा। मैं एक दिन हुआ जी, जो अल्लाह मियाँ जो दो बिलहन की धरती दे दे, दो मकान बना के रह ले वो बेहतर है, हम तो जागतों को पालना जानते हैं जी।